स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ज्यादा टेस्टी रेसिपी, लाई की नमकीन। हम लोग इसे लाई के नाम से जानते हैं, इसे मुरूरा भी कहा जाता है और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चलिए आज की आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। आपको इसमें ढेर सारा तेल डालना है क्योंकि हम इसमें काजू बादाम और लाई को फ्राई करें। आपके पास इस तरह की चलनी है तो आप ढेर सारा तेल डालिए ना, आप इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के फ्राई कर सकते हैं। आपको इसके लिए तेल बहुत गर्म रखना है, तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया है, अब इसमें हम लोग ये छन्नी रखेंगे। तो देखिए छन्नी ऐसे डूब गई है और ऊपर तेल आ गया है। तो आप छन्नी ऐसे रखिए और इसका ये जो प्लास्टिक रहता है इसको कढ़ाई से टच नहीं करवाइए वरना ये प्लास्टिक गल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मुरमुरे डालेंगे। तो इसको करने में आपको बस 2 से 3 सेकंड लगेगा। आपने डाला, थोड़ा ऐसा हिलाया और फिर निकाल दिया। तो ये देखिए क्रिस्पी हो गया, कितना आवाज कर रहे हैं। तो इसे हम लोग ऐसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और ऐसे इसका सारा तेल निकाल लीजिए। तो ये हम लोग सारे मुरमुरे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी लाई को फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे। ऐसे ही हम लोग अब मूंगफली को भी फ्राई करेंगे, लेकिन मूंगफली को आपको 1 से 2 मिनट तक रखना है तेल में, जब तक इसके छिलके ना निकल जाए। तो ये देखिए मूंगफली 1 मिनट में फ्राई हो गई है, इसे भी हम लोग इसमें डाल देंगे। तो ऐसे ही हम लोग काजू बादाम भी फ्राई कर लेते हैं। आपको ये काम बहुत ही सावधानी से करना है वरना आप जल भी सकते हैं। ये भी 15 से 20 सेकंड में फ्राई हो जाए और इसे भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे पोहा और इसे भी ऐसे ही करके बस 3 से 4 सेकंड लगा और ये हो गया। ये देखिए इसे भी हम लोग अब इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तो तेल हमारा यहाँ बहुत गर्म है, तो गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें हम लोग दूर से कड़ी पत्ता डालेंगे वरना आप जल सकते हैं अगर आप पास से डालें तो। ऐसे डाल तो 1 सेकंड में ये हो गया है, इसे भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो हम लोग मिर्च भी फ्राई करेंगे। आप सारी मिर्च में ऐसे 20 से इसको कट कर लीजिए। इसे हम लोग हरी मिर्च डालेंगे, गैस का फ्लेम लो रहेगा। इस तरह से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये भी 1 से 2 सेकंड में हो गई, इसे भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो अब करेंगे गैस का फ्लेम और इसे अच्छे से मिलाते हैं और चटपटा बनाते हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे काला नमक, इससे ही थोड़ा चटपटा बने। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अब चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ज्यादा टेस्टी और चटपटी नमकीन बनके तैयार है। ये 15 मिनट में इतनी आसानी से बन गई और खाने में एकदम टेस्टी। आप इसे 10 से 15 दिन तक एक एयर टाइट कंटेनर में रख के खा सकते हैं और जब भी घर में कोई गेस्ट आए तो उसे सर्व भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।